उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर रविवार यानी कि 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। यूपी के साथ ही पंजाब के सभी विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने नियमों की अनदेखी करते हुए ईवीएम में वोट डालते हुए अपनी फोटो शेयर कर दी। प्रमिला पांडे ने अपनी पार्टी को वोट देते हुए ये फोटो शेयर की है। कानपुर शहर के हडसन पोलिंग बूथ पर मेयर प्रमिला पांडे ने मतदान किया। मतदान करते हुए ईवीएम की फोटो खींचना सख्त मना है, नियमों के खिलाफ है। वोटिंग के दिन फोटो लेना और सोशल मीडिया पर शेयर करना क्या प्रतिबंधित है और इसके बारे में क्या नियम है जानते हैं। नियम यह कहता है कि वोटिंग के बाद आप किसी को यह ना बताएं कि आपने किसे वोट दिया है। वोटिंग के बाद मत की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होता है। गोपनीयता भंग होती है तो वह लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। सिर्फ मतदान करने वाले ही नहीं, वोटिंग कार्य में लगे किसी कर्मचारी या अधिकारी की ओर से यह पूछा गया या जानने की कोशिश की गई कि आपने किसे वोट दिया है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। वोटिंग के समय फोटोग्राफी नहीं कर सकते और ना ही कैमरा लेकर वोटिंग बूथ के अंदर जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 49M व लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 128 के अंतर्गत मतदान करने वाले व्यक्ति को वोटिंग की गोपनीयता जरूरी है। इस नियम के उल्लंघन के लिए 3 माह का कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी, कैमरा या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती है। कई बार कुछ लोग और नेताओं की ओर से मत की गोपनीयता भंग करते हुए सोशल मीडिया से प्रचारित किया गया, ऐसा करना भी दंडनीय है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि ऐसी गलती नेताओं की ओर से ही की जाती है। ये भी देखने में आया है कि कई बार वे जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। कुछ सांसद मंत्री भी ऐसा कर चुके हैं जिनको लेकर खासा विवाद हुआ। राजनांदगांव में पूर्व सांसद शिवेंद्र बहादुर के बेटे ने पिछले चुनाव में वहां वोट डालते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। कबीरधाम जिले के जयराम साहू ने भी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। ऐसी गलती कई और नेता भी कर चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं। आखिरी चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वहीं 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के विधानसभा के परिणाम सामने आएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।